फायर ब्लास्टर अब तैयार हो चुका है और अब आपको अपने एंड्रॉइड फोन पे जाजा रिमोट ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। ऐप को ओपन करते ही आपके सामने बहुत सारे कैटेगरी के रिमोट सेट करने के ऑप्शन दिखेंगे, बट आपको यहाँ बैक के ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद इस प्रोफाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ एडवांस सेटिंग को सिलेक्ट करना है। एडवांस सेटिंग को ओपन करते ही आपके सामने 10 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको पहले मैक्रो की सेंडिंग गैप को 1000 ms पे सेट करना है। उसके बाद ऑडियो रिवर्सर को ऑन करने के बाद जाजा मैक्स वॉल्यूम को 100% पे सेट करना है। और लास्ट सेटिंग जो करनी है आपको वो है जाजा सेंसिटिविटी, उसे आपको हाईएस्ट कर देना है। जो सेटिंग करनी थी वो हो चुकी है और अब आपको मेन सेटिंग पेज में आने के बाद ऐड रिमोट के ऑप्शन पे टैप करके अपने टीवी सेटअप बॉक्स एसी या जिस किसी चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसे यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट करने से पहले अपने फ़ोन में बनाए हुए आयर ब्लास्टर को कनेक्ट कर दे और डिवाइस को सिलेक्ट करते ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ अपने सेटअप बॉक्स जो कि हैथवे कंपनी का है उसे अपने फ़ोन से कंट्रोल कर रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जैसा कि एक डिफ़ॉल्ट रिमोट वर्क करता है। इस आयर ब्लास्टर को मैंने अपने एसी में भी चेक किया और वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस आयर ब्लास्टर की रेंज 10 फीट तक की है, जिसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो रिमोट सिस्टम सपोर्ट करता है उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। होप कि 20 rupees का आयर ब्लास्टर जो कि ऑनलाइन 500 rupees में सेल होते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो।